इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की बूल ली है, 10 नंबर सलाई ली हुई है और देखिए इसको मैंने 31 फंदे से बनाया है। इसको आप पेयर के हिसाब में फंदे ले लीजिए और एक फंदा ऐड कर लीजिए तो ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 31 फंदे डाले हैं, 31 फंदे, और देखिए इसको मैं फर्स्ट रो से ही बता रही हूँ जिस तरह से आप फंदे डालेंगे उसके बाद से आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक फंदा उतारना है, उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए 9 फंदे मैंने येलो कलर बुने, उसके बाद रेड कलर लगाना है आपको, जो भी कलर आप लगा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 फंदे रेड, उसके बाद फिर से येलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 फंदे बुनने हैं। 2 फंदे छोड़ देने हैं लास्ट में, यहीं से पलट लिया और यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए रेड ये 4 हैं, बाकी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ से एक फंदा उतारूंगी उल्टी तरफ से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब देखिए 8 फंदे येलो बने और एक फंदा ये येलो वाला रेड बना लिया। अब देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 5 ये और 2 इधर से लूंगी मैं, 1, 2, अब यहाँ से येलो कलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब देखिए मैंने 12 फंदे बुने, 2 छोड़ दिए बिना बुने, ऐसे पलट लिया और इधर से जो जैसा उसको वैसे ही बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते। अब देखिए उल्टे तरफ से एक फंदा उतार लूंगी और देखिए ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 फंदा बुने और एक ये वाला ऐसे बना लिया। उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे ले जाएंगे बीच में रखते हुए, 5, 6, 7, 8 और 2 फंदे आगे से इधर से, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब देखिए 8 फंदे बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए, यहीं से इसको पलट लिया और यहाँ से जो जैसा है उसको वैसे ही बना लेंगे इस रो में। अब देखिए यहाँ से फिर से मैं एक फंदा उतारूंगी और देखिए 1, 2, 3, 4 4 फंदे बुने। अब देखिए 2 फंदे मैं इस ब्लू कलर से बनाऊंगी, ब्लू कलर ऐड करूंगी यहाँ से ऐसे 1, 2 और यहाँ से इसको इधर कर देंगे इसको भी और यहाँ से रेड बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 फंदे आगे से रेड, उसके बाद यहाँ पे येलो कलर, 1, 2, 3 और 4 4 फंदे ये बुने, यहीं से इसको पलट लिया और यहाँ से जैसा जो है उसको बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। आप देखिए यहाँ से एक फंदा मैंने उतार लिया और देखिए 2, 3, 3 फंदे बुने और 2 इधर से ये ब्लू वाले बनाऊंगी, ये देखिए 1, 2 और 2 ये बना लिए और 2 रेड में से, 1, 2 इस तरह से यहाँ पे ये 6 फंदे हो गए। उसके बाद हम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 आगे से, 11 और ये 12। आप देखिए यहाँ से
ये फंदे छूट गए हैं हमारे, 2, 4, 6, 8, 10, 10 फंदे छूट गए और ये यहाँ पे रेड वाले इस तरह से आ गए हैं। यहाँ से पलट लेंगे और जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए, आप देखिए, यहाँ से एक फंदा उतारूंगी मैं और ये वाले दो फंदे ब्लू कलर से बना ऐसे, और देखिए इस रो में सारे फंदे ब्लू कलर से बुन लूंगी मैं। ये देखिए ऐसे, लास्ट तक इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक पूरे फंदे बना लेती हूँ, जिस तरह से ये सेंटर वाली डिजाइन ऐसे आई है। ये देखिए लास्ट तक बना लिया, यहाँ से पलट लिया और इधर से इस रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे इस तरह। तो मैं बना लेती हूँ, ये देखिए इधर से मैंने रो पूरी कर ली और हाफ कली बनके कंप्लीट हो गई इस तरह से। देखिए ये इतना पार्ट यहाँ तक का बन गया है। आप देखिए यहाँ से ये इधर का बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए एक फंदा मैं उतार लूंगी, दो फंदे यहाँ से ऐसे, एक दो ब्लू वाले दो मैंने बना लिए येलो से। आप देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे ब्लू बनाए। उसके बाद देखिए यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 फंदे रेड बनाए। देखिए यहाँ तक, जहाँ तक ये थे। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ से येलो कलर लगाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए इस रो में कोई फंदा नहीं छोड़ना है। यहाँ से देखिए जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से रो कंप्लीट कर ली, और देखिए अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं इधर को ले गई कली, अब मैं ऊपर के साइड ले जाऊंगी। तो यहाँ से एक फंदा उतारा और देखिए 1, 2 ये बना लिए। उसके बाद ब्लू में से दो फंदे येलो से बुने और यहाँ पे 1, 2 दो फंदे ब्लू के रह गए और ये वाले रेड कर लूंगी मैं ऐसे। आप देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे बुने, दो रेड येलो से बनाने, क्योंकि ऊपर के साइड को जाना है इसमें। लास्ट में दो फंदे छोड़ दूंगी बिना बुने, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 10 बनाने के बाद यहीं से इसको पलट लेंगे और यहाँ पे जो जैसा है उसको बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लिया और देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे बुने, दो ये बना लिए और देखिए यहाँ से रेड वाले बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये देखिए 10 फंदे बुने, दो ये वाले रेड येलो से बना लिए और दो लास्ट में छोड़ देंगे। ये देखिए इसको यहीं से पलट लेते हैं और यहाँ पे जो जैसा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एक फंदा उतारा, उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखिए 7 फंदे बुने। अब एक फंदा ये रेड वाला येलो से बनाया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फंदे बना लिए। उसके बाद देखिए दो फंदे ये कर लिए ऐसे, लास्ट में दो फंदे छोड़ दूंगी बिना बुने, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये देखिए 10 फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए।
और यहीं से पलट लिया इसको और यहाँ से जो जैसा है उसको वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर देते। अब देखिए यहाँ से फिर से मैं एक फंदा उतारूंगी, उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ फंदे बुने, एक रेड वाला बना लिया तो ये 9 हो गए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 फंदे रह गए हमारे पास रेड के, 2 हमने इधर येलो कर लिए, लास्ट में 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे। ये देखिए यहीं से पलट लिया और यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से 4 फंदे आ गए, 4 फंदे से मैंने स्टार्ट किया था और ये वेबलेट बनके कंप्लीट हो गया लट्टू। अब देखिए यहाँ से पूरी रो इसी येलो कलर से बनाऊंगी मैं, लास्ट तक फंदे सभी बुन लूंगी। ये देखिए ये वाले फंदे येलो बना लिए। अब देखिए लास्ट तक हम बनाएंगे एक रो इधर से भी पूरी कंप्लीट करेंगे उल्टी। ये देखिए यहाँ से मैंने उल्टी रो कंप्लीट कर दी। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रो फिर से रिपीट करेंगे अगली कली के लिए और तरीका बनाने का सेम है, यहाँ से बनाएंगे। और देखिए एक बार मैं यहाँ से आपको स्टार्टिंग फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे एक फंदा उतारा मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे येलो बुन लिए। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 4 रेड। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये देखिए 16 फंदे बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए। इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट।